दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे स्पेशल हल्दी के बारे में बताएंगे जो भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। और इसका बिजनेस करके इस गांव के लोग करोड़पति बन चुके हैं और ये हल्दी यूके, अमेरिका जैसे कई देशों में एक्सपोर्ट भी होती है। अब ऐसा क्या खास है इस हल्दी में, हम आपको आगे बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे गांव में पहुंचने और वीडियो बनाने में। तो चलिए आपको ले चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य मेघालय में। दोस्तों, मेघालय राज्य खूबसूरत पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ है और इसकी राजधानी शिलांग है। शिलांग से करीब 3 घंटे दूर एक छोटा सा गांव है लाकाडोंग, जो कि लाइसन ब्लॉक में पड़ता है। लाकाडोंग और आसपास के गांव में किसान इस खास हल्दी की खेती करते हैं। ये कोई आम हल्दी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ खास है और इसे लाकाडोंग हल्दी भी कहा जाता है। दरअसल इस हल्दी में करक्यूमिन लेवल बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। करक्यूमिन लेवल दरअसल हल्दी में पाया जाने वाला एक बायो एक्टिव कंपाउंड होता है, जिसके कारण हल्दी को पीला रंग मिलता है और ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। मेघालय में पाई जाने वाली इस हल्दी में करक्यूमिन लेवल 13% है, जो कि दुनिया में किसी भी हल्दी में सबसे ज्यादा है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इस हल्दी के सेवन से ना केवल इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि बॉडी फैट भी कम होता है और कई बीमारियां भी ठीक होती हैं। लाकाडोंग हल्दी का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। इस हल्दी की डिमांड इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कम पड़ जाती है। इसी वजह से इसका बिजनेस करने वाले इस गाँव के लोग करोड़पति बन चुके हैं। ये टर्मरिक इतनी फेमस है क्योंकि इसमें करक्यूमिन लेवल बहुत ज्यादा है। मैं हल्दी को देश के 15 से ज्यादा राज्यों में सप्लाई करती हूँ और हम यूके, यूएसए और मलेशिया में एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम अपनी तरफ से हल्दी को ज्यादा कीमत में नहीं बेचते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। ये हल्दी दवाइयां बनाने में भी बहुत काम आती है। आपको बता दें, ये हल्दी इस गांव में 250 रुपए किलो मिल जाती है और आप इसे आराम से देश भर में 1,000 से 1,200 रुपए किलो तक बेच सकते हैं। तो बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा है। आप इन गांव वालों से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो आपको हल्दी ट्रांसपोर्ट के जरिए देश के किसी भी कोने में पहुंचा देंगे। आप इसे फिर वहां पर बेच भी सकते हैं या फिर उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे आपकी कमाई डॉलर्स में होगी। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि लाकाडोंग हल्दी कैसे तैयार होती है। तो चलिए फैक्ट्री में। साबुत हल्दी को खेतों से तोड़ने के बाद इसी प्रोसेसिंग यूनिट यानी फैक्ट्री में लेकर आया जाता है, जहां पर उसे अच्छे से धोया जाता है और इसके बाद मशीन से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इसके बाद इसे सूखने के लिए स्पेशल ड्राइंग यूनिट्स में रखा जाता है। सूखने में कभी कभी 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि मेघालय में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और धूप रोज नहीं निकलती है। सूखने के बाद इसे मशीन में पीस कर हल्दी का पाउडर तैयार कर दिया जाता है और इसे पैक करके ट्रेडर्स को भेजा जाता है, जो फिर इसे एक्सपोर्ट करते हैं। ये देखिए, ये महिलाएं स्लोवाकिया, जो कि यूरोप का एक देश है, वहां पर भेजने के लिए इस हल्दी को पैक कर रही हैं। अगर आप भी इस हल्दी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हम बिजनेस की ऐसी जानकारियां आपके लिए लाते रहें। मिलेंगे एक और वीडियो में।